Hello friend, good morning all of you. Welcome to BK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो यदि रिकॉल करें तो आपकी 100% हम एनसीईआरटी कवर करते हुए चल रहे हैं. जहाँ जहाँ पे कुछ समझाने को आपको कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत ही जा रहे हैं. ठीक, तो इस तरह बता रहे हैं. लेकिन फिलहाल आपको अकॉर्डिंग एनसीईआरटी चले और आपके हाई स्कूल लेवल पे चले तो उतना ही हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे. क्योंकि आपको आगे चलकर इंटर में आपको सारी चीज़ें यही कुछ आपको वहाँ पर भी पढ़ने, अंतर बस इतना है कि वहाँ पर डीपली में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम डीपली में अभी से नहीं जा रहे हैं. बहुत सारी साइट वगैरह बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारे डीप में दे रखा हुआ है बेटा, जैसे अरिहंत में और सारे साइट बुक है. लेकिन हम उन सारी बुकों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया जो एनसीईआरटी है बेटा, वो एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई नहीं. ठीक है, तो हम एनसीईआरटी इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, कवर करें. आगे भी जो भी मेडिकल्स की तैयारियां होती हैं वो सब बेस्ट एनसीईआरटी रहते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन मिलते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी के ही सही उत्तर माने जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, यदि हम रिकॉल करें तो हमने अब तक रिप्रोडक्शन में सारे ऑर्गन्स के रिप्रोडक्शन हमने देख लिया. हमने देखा कि आपको पहला हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बता रखा हुआ था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, डिटेल में देखा. टाइप्स भी हमने देखा, अलग अलग टाइप से यूनिसेलुलर कैसे करते हैं, बाइनरी फ्यूजन क्या होता था, फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुत सारे हमने देखे, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ये सारे हमने देखे. उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे कहा गया था, कायिक प्रवर्धन देखा हमने. फिर देन हमने क्या देखा आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा. ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया हुआ था जो पिछला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर फोर में हमने डिस्कस किया, वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही था. ठीक है, लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टेड है, आज पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे लेकिन कुछ हाफ पॉइंट देख लेते हैं. इंसान आज का जो टॉपिक हमारा है, हमको डिस्कस करना है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो सबसे पहले टॉपिक समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है. फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये होता है बेटा, ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर लगते हो, अर्थात जितने भी हायर क्लास के उच्च क्लास के वो प्लांट होते हैं सब में फ्लावर लगते हैं. अर्थात आप जब प्लांट 9th में थे तो क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो हमने लास्ट में प्लांट के क्लासिफिकेशन बताए होंगे, और प्लांट के क्लासिफिकेशन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो था वो पढ़ा होगा आपने किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली किसके बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म. जनरली फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये होता है एंजियोस्पर्म, और आपके एनसीईआरटी में लिखा भी होगा, जिसे कहते हैं आवृत बीजी पौधे, अर्थात एंजियोस्पर्म का देख रहे हैं. तो आपके टॉपिक में यही भी था. अब देखो कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है. जनरली क्या होता है कि बेटा, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जनरली फ्लावर वाले जो पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें हमको बकायदा आपको क्या दिखता है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए दिखेगा. तो हमने आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पौधे की बात हो गई तो हम देखेंगे अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ आपको हमने ये बता के कन्फर्म बताया था कि आपको बाईसेक्सुअल यूज किया हुआ था वर्ड कुछ ऑर्गन्स के लिए, जैसे हमने ऐसे ऑर्गन जिसमें सिर्फ एक ही क्या होता है, सेक्सुअलिटी होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो वो जैसे ह्यूमन बीइंग में यूनिसेलुलर होते हैं. और जैसे हमने अर्थवर्म को देखा था और हमने लीच को देखा था, उसमें हमने बताया था बाईसेक्सुअल, जबकि वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही भाग करते हैं क्योंकि उसके पास दोनों फॉर्मेशन होते हैं. तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्सुअल का था ये, गैमेट का ध्यान में रखिएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना बड़ा अनिवार्य है, वो होना अनिवार्य है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देन क्या होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद आपको क्या होता है, जो नए ऑर्गेनिज्म्स का निर्माण होता है. तो सारे प्रोसेस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं. तो अब हम पौधे भी देखते हैं कि बेटा क्या होता है. तो हमने सामने आपको कुछ एनसीईआरटी का ही फिगर डायग्राम दिया हुआ है, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है. तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लावर, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है. तो हम क्या कहते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, जैसे ही फ्लावर लगेगा तो हम ये जान जाते हैं कि उस पौधे का रिप्रोडक्शन होना है.
क्योंकि सीजनल फ्लावर्स जो फ्लावर लगते हैं जो प्लांट्स में वो सीजनल होते हैं, ठीक है। सीजनल का मतलब एक उनकी कंटिन्यूअस सीजन होती है, उसी सीजन में वो फ्लावरिंग करते हैं। जैसे मैंगो को देख लिया जाए तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है उसमें फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तभी तो देन फल लगता है। तो अब हम उसके प्रोसेस को देखेंगे, कैसे फल लगा हो, कैसे सीड बना, है ना इंटरेस्टेड। आपको कभी नहीं मालूम रहा होगा लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल में आपको क्लियर बता दूंगा बेटा, और इंटर में जाओगे तो कुछ भी छूटा नहीं रहेगा, आपको थोड़ा डिटेल में जाओगे भाई, यहाँ पे फंडामेंटल चीजें समझा दूंगा। तो देखिएगा कि हम फ्लावरिंग प्लांट का पढ़े तो फ्लावर इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखने की, फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। उसी की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ही फ्लावर लगना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। आगे कैसे प्रोसेस देखते हैं, देखते हैं। तो हमको क्या करना है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने समझने के लिए हमको फ्लावर की पूरी मॉर्फोलॉजी समझनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आते हैं लेकिन हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को समझते हैं बेटा, कि आपको एनसीईआरटी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिया था। फ्लावर में जनरली क्या होता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। आप कहोगे सर ये क्या होता है सूट, फ्लावर प्लांट का मॉडिफिकेशन किसका होता है, सूट। सूट का मतलब जो ऊपर स्टेम स्टेम एंड लीफ वाले पार्ट को ही सूट बोलते हैं, उसी से रूपांतरित भाग होता है। तो हम कह सकते हैं फ्लावर मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द मॉडिफाइड ऑफ द सूट। सूट का ही मॉडिफिकेशन से उबलता है, निर्माण होता है, ठीक है। सूट को हमने समझा दिया बेटा, जमीन के अंदर वाला प्लांट्स के वो रूट हुआ, उसके जमीन के ऊपर वाले पार्ट को सूट। तो सूट का मॉडिफिकेशन के द्वारा ही क्या होता है, आपको फ्लावर का निर्माण होता है, और फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल पार्ट होता है पौधे का, ठीक। अब आते हैं फ्लावर के पार्ट हमको देखना है सबसे। फ्लावर में जनरली क्या होता है, विभिन्न पार्ट आपको देखते हैं, उनमें चार रिंग आपको देखने को मिलती है, वो चार रिंगों से ही अलग अलग पार्ट आपको स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर में एक स्टाक लगा होता है, वो स्टाक को हम बोलते हैं पेडिसिल बोलते हैं, और वो पेडिसिल ऊपर जाके थोड़ा सा उभरा रहती है, जिसको हम बोलते हैं थैलमस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थैलमस बोला जाता है, तो थैलस सॉरी थैलमस बोला जाता है। उस थैलमस से या थैलस जिसे कहते हैं, उस थैलस पे चार रिंग होती है, और चारों रिंग से ही निर्मित होता है उसके विभिन्न विभिन्न पार्ट होते हैं, उसी पार्ट को देखना है। तो ध्यान रखिए, हमने फ्लावर को एक बार स्टेज में देख लेते हैं बेटा, डिटेल में देखते हैं, क्लियर रहे आपको। हमने यहाँ पे लिखा भाई पेंसिल, यही तो स्टार्क से लगा रहता है पौधे के, पौधे के लास्ट पॉइंट से तो ये जुड़ा रहता है। फिर इसका स्टार्क ऊपर जाओगे तो फूला हुआ पार्ट होता है, जिसको हम बेटा बोलते हैं, हम थैलस बोलते हैं, ठीक है, थैलस कह सकते हो। तो ये थैलस वाला पार्ट हुआ। अब इसी थैलस में चार रिंग है, वो चार रिंग मॉडिफाइड होकर क्या रिंग करती है, तो ध्यान रखिए। पहला इसके हमने बताया कि फ्लावर हुआ, ध्यान रखो, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। पहली पॉइंट हमने बताया कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, हमने देखा ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फ्लावर के कितने आपको मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, यूनिट होती है। तो पहला देखिएगा, पहला होता है जिसे हम कहते हैं कैलिक्स, ध्यान रखिएगा कैलिक्स। अब देखो कैलिक्स कहाँ पे बेटा, ये देख लो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थैलस से लगा हुआ, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। और इसके एक यूनिट को, ये सारे को कैलिक्स करते हैं, रिंग की तरह ऐसे लगा रहता है स्टैक पे, रिंग की तरह, और ग्रीन कलर का रहेगा, सदैव कैसा होता है ग्रीन कलर आपको दिखना दिखेगा ग्रीन कलर। तो ये क्या है कैलिक्स को हम अगर इसकी एक स्टाक को ऐसे पत्ती नुमा तोड़ के निकाल लें तो उसके एक यूनिट को हम कहेंगे सेपल्स कहते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा सेपल कहा जाता है। सेपल से मिलकर ही क्या बना होता है कैलिक्स, कैलिक्स किसका समूह होता है सेपल्स का। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेपल्स है, लेकिन इसके पूरे समूह को हम बोलेंगे क्या कैलिक्स बोलेंगे, क्लियर हुआ। फिर दूसरा मॉडिफिकेशन, ये पहली रिंग से तो हुआ कैलिक्स बना, पहली रिंग से दूसरी रिंग जो बनती है उसको कहते हैं करोला। तो ये ध्यान रखें जो कैलिक्स होती है इसके एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा सेपल्स कहेंगे, ठीक है सेपल्स कहेंगे। और बड़ी इंटरेस्टेड है ये जो होती है ग्रीन कलर की होती है, नोट कर लेना इसको, ये किस कलर का सदैव होता है जो कैलिक्स, वो ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक। दूसरा दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है बनता है क्या करोला, करोला इसके एक यूनिट को हम बेटा बोलते हैं पेटल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कलरफुल हो सकता है,
कलरफुल होता है, अर्थात मे बी रेड रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, जो भी कलर फ्लावर का दिखता है, जैसा भी कलर जिस कलर का फ्लावर दिखता है वो किसके कारण दिखता है, तो करोला के कारण दिखता है। ठीक है, तो ये धर के करोला जो होता है वो कलरफुल होता है, वो अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपको इंसेंटिव दे रखा होगा कि आगे बढ़ो। तो अब देखो ध्यान से कि पेंसिल मिला, पेंसिल के बाद कैलिक्स मिला पहली रिंग, उसके बाद दूसरा मिला आपको करोला, करोला की एक यूनिट को हम कहेंगे क्या, पेटल्स कहते हैं। पेटल्स हुआ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, पेटल्स हुआ देन आपको क्या होता है, पेटल्स आपको देख रहे हो इस सेक्शन में कहाँ पे, ये जो बनाया हुआ है पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं, वो बड़ी कलरफुल होती हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है उसका, वो होता है बेटा, इसको कहते हैं हम एंड्रोसिया। एंड्रोसिया एंड्रोसिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं हम क्या, एंड्रोसियम होता है, हिंदी में बोलते हैं कुमंग कहते हैं बेटा, और इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमिन, स्टेमिन बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये ढेर सारे स्टाक की तरह लिख रहा है, ये निकला स्टाक फिर ऊपर उभरा हुआ, ये स्टाक निकला उभरा, इस पूरे समूह को हम बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है ना, पूरे समूह को बोलते हैं एंड्रोसियम। और इसके एक पार्ट को, इसको तोड़ के एक निकालोगे, जो स्टाक वाला एक तोड़ के निकालोगे बेटा, उसको हम कहते हैं स्टेमिन। सारे स्टेमिन को मिला के ग्रुप ऑफ द स्टेमिन इसका नाम रहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमिन एक पार्ट होता है, स्टेमिन को पूरा मिला के हम उसको पार्ट को बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम कहते हैं। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्टेमिन जो होता है इस, यही एंड्रोसियम इज, एंड्रोसियम इज आल्सो कॉल्ड एज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो होता है कौन, एंड्रोसियम होता है, ये ध्यान रखिएगा, मेल, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोसियम या स्टेमिन का हो, स्टेमिन को ही हम क्या कहते हैं, स्टेमिन को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर और एंड्रोसियम को कहते हैं कुमंग। तो जो फ्लावर का पुंकेसर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो नर जनन अंग होता है फ्लावर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर जनन अंग होता है। और कहाँ पाया गया, देखो यहाँ पे, और स्टेमिन में आपको दो पार्ट होते हैं, एक आपको एक सिलेंडिकल होता है लंबी से, जिसको हम बोलते हैं बेटा फिलामेंट, यहाँ पे लिखा होगा एनसीईआरटी में, देखो ये जो सिलेंडर का निकला हुआ है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर जो उभरा हुआ आपको निकला हुआ है इस तरह का कैवेकिल की घुंडी नुमा, उसको हम कहते हैं एंथर, हिंदी में कहते हैं परार कोष कहते हैं, और इन दोनों को मिला के ही बनता है क्या, स्टेमिन। तो स्टेमिन के आपके दो पार्ट मिले ने, एक तो एंथर मिला और दूसरा क्या मिला आपको बेटा, फिलामेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चौथी रिंग देखते हैं, चौथी रिंग जो मिलती है वो मॉडिफाइड होकर बनाती है, जिसको कहते हैं हम गायनोसियम। गायनोसियम, और गायनोसियम की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल, या दूसरा नाम होता है कार्पेल भी कहते हैं, नाम याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको। गायनोसियम को एक यूनिट को कहते हैं पिस्टिल, और उसको पिस्टिल कहिए या आर करके कह सकते हो कार्पेल कहते हैं। और गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है। अगर पूछा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का कौन ऑर्गन है, तो बताओ किसे, गायनोसियम को, या कह दो पिस्टिल को, ठीक है, उसकी एक यूनिट को भी कह सकते हो। फिर यदि आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाए तब किसको बताओगे बेटा, स्टेमिन कहिए, स्टेमिन को कहते हैं, या फिर कहिए एंड्रोसियम को, ठीक है। अब देखो दो ऑर्गन मिले हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और यही क्या होते हैं बेटा, पार्टिसिपेट, भाग लेते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि ये दोनों जो ऊपर के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बताए हुए कैलिक्स एंड करोला, ये आपको भाग नहीं लेते हैं। और एनसीईआरटी कह रही, तो फिर ये करते हैं क्या, इसका फंक्शन तो ध्यान से सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। कैलिक्स और करोला का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसका इंपॉर्टेंस ये होता है बेटा, जो कैलिक्स होती है और करोला, करोला कैलिक्स मिलकर ही क्या करते हैं,
ये बेटा जनरली कैलिस का ग्रीन कलर होती है, तो इसको फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है फ्लावर के अगले पार्ट को, और जो करोड़ा होता है वो क्या कहते हैं अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं एनिमल्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि उसका परागण हो सके, उसमें पॉलिनेशन हो सके, इसलिए वो क्या करता है इस कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे जब हम परागण पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देंगे। फिलहाल यही पे जान जाओ, ये आपको क्या होते हैं उसी लिए रहते हैं, उसको इंट्रैक्ट करते हैं, सपोर्ट करता है कैलिस करोला, और करोला जो होता है वो इंट्रैक्ट करें, इसीलिए तो कलरफुल होता है। देखो ना फूल को कलर देख कर हम ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, सुगंधित होता है, उसमें स्मेल आती है, बहुत सारे ऑर्डर आता है, तो ये सारी किसकी वजह से होता है अट्रैक्शन, वो होता है कैलिस और करोला की वजह से होता है। ठीक है, ना कि एंटोसेमेन गार्निशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको दे रखा हुआ था। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि ध्यान से सुनिए, ये फ्लावर हमने बनाया हुआ है, एक फ्लावर बना हुआ है, तो यदि आपको एक फ्लावर है उसमें सिर्फ आपको ये वाला एंड्रोसियम वाला पार्ट पाया है और गैनोसियम वाला पार्ट ना मिलता हो, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहेंगे ध्यान रखिएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिस्ट्रक्चरल फ्लावर कैसे होंगे जिनमें वल्ली वल्ली मतलब ये तो रहेंगे, ये कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन है, इनमें से कह रहा हूँ, इनमें से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा वल्ली स्टेमेन आर पिस्टिल प्रेजेंट। यदि पिस्टिल और क्या कहते हैं स्टेमेन या पिस्टिल में से एक ही ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यदि दोनों प्रेजेंट रहे तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये पूछे जा सकते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल प्रेजेंट। ठीक, यदि ऐसा फ्लावर जिसमें पिस्टिल और स्टेमेन स्टेमेन दोनों प्रेजेंट हो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो जो ये आपने फिगर बना हुआ ये कैसा फ्लावर है देख के पहचान सकते हो, कैसा है बोलो बोलो राइट, कैसा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्यों देख रहे हैं हम बेटा, यहाँ पे देख लो पिस्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो आपको स्टेमेन प्रेजेंट है, इस फ्लावर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल के, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे क्या बाइसेक्सुअल। लेकिन यदि हम मेल वाले पार्ट यहाँ से निकाल दें ये ना पाया जाए सिर्फ पिस्टिल पाया जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा होगा, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जो पिस्टिल होता है वो आपको पपीता और तरबूज, पपीता इसमें दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल में, पपीता और जो तरबूज होता है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और बाकी सरसों हुआ गुड़हल हुआ और भी सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बाईसेक्सुअल होते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमने पिस्टिल का जो ऑर्गन का नाम आपको बताया हुआ है पिस्टिल में हमने ये देखा हुआ कि बेटा पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं बेटा स्टेमेन के बारे में। ठीक है, स्टेमेन क्योंकि गैसीय कंडीशन होती है तो हमको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी, किसके बारे में एंड्रोसियम के बारे में और दूसरा किसके बारे में गैनोसियम के बारे में। ठीक, तो हम क्या करते हैं मेल वाले पढ़ते हैं एंड्रोसियम, सॉरी एंड्रोसियम, जिसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा स्टेमेन, स्टेमेन ये देखा था हमने। तो अब इसके पढ़ते हैं जिसका हमने एक फिगर अगर ड्रा करें तो देखो क्या होता है कि ये ऐसे फिलामेंट आती है ऐसे ब्रॉडर सेक्शन देख लो और ये स्टाक की तरह ऐसे बना हुआ। ठीक, इसके दो रूप, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, इसके दो पार्ट हुए फिलामेंट, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम क्या एंथर, एंथर हिंदी में क्या कहते हैं परागकोष। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एंथर के अंदर ही इसके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं क्या पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो ध्यान रखिए इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है
माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अगर इसका पूरा और डिटेल में सेक्शन देखें, आपके पास आया नहीं यहाँ पे फिगर दिया नहीं, लेकिन आपको देख बता देता हूँ क्या पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। देखो एक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको, इंटरफारल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हर क्लास में जाओगे तो मिल जाएगा, ये इस तरह का ऐसे होता है, यही अंतर है। इसके अंदर बेटा खाली स्थान होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो चार आपको नंबर में दिख रहे हैं, चार ही मिलेंगे, चार से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो हुआ, ये जो आपको मिल रही है, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। यह बात आ गई, इसलिए बता देता हूं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये हम ऐसे डाटे दे रहे हैं, ये ढेर सारे आपको दिख रहे हैं बेटा, इसी को कहते हैं पॉलन ग्रेन, या उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। तो अब आपको पता चला ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या बनते हैं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे किस पे, ये अंदर जो दिख रहे हैं इसको कहेंगे हम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर कहिए या आर करके इसका दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन, क्या कहेंगे पॉलन ग्रेन कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पराग कण। तो पराग कण का निर्माण कहाँ होता है, पराग कोश के अंदर। पराग कण कैसा ऑर्गन होता है, पराग कण कौन सा गैमेट है, तो आप बताओ किसका, मेल गैमेट। यही आगे चल के बिना फर्टिलाइजेशन करता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको साफ साफ लिखा होगा कि ये पुंकेसर के अंदर ही आपको क्या होता है पराग कण का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है ना, ये जनरली आपको स्फेरिकल होता है, कई टाइप्स की तरह होता है, लेकिन जनरली इसका कलर जो होता है वो येलो विश कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है, येलो कलर होता है। जैसा आप किसी भी पौधे को छू के देखो फ्लावर के अंदर वाले पार्ट को, स्टेमिन को, तो आपके ढेर सारे पाउडर की तरह लग जाएगा ना, पीला पीला लग जाएगा, जनरली वो होता क्या है, वही तो है आपका माइक्रोस्पोर है, ठीक है, सॉरी माइक्रोस्पोर है सॉरी, और उसी को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो इतना सा कहानी इसकी हमने देखी कि बेटा एंथर के अंदर, तो ये दो चीजें याद रहे, इसके एंडोसम का एक पार्ट स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका फूला हुआ पार्ट एंथर, एंथर के पराकोश होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर बनते हैं, और जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो ऐसे बनते हैं। अब इसका कैसे बनता है, कैसे होता है, ये सारा डिटेल हमने कहा ना आपको इंटरफार्म में पढ़ो, ठीक, वहां में जाके। तो ये हम रिमूव करते हैं, देख लो एक बार, लिख लो यहाँ पे हमने लिखा था पॉलन ग्रेन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पॉलन ग्रेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर हो, फिगर बना लिए आप, रफ कॉपी बना लो ताकि याद रहे आपको, कॉपी और पेन लेके बैठा रहे हो, ठीक, रोक के वीडियो बना लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू सुनो, रिमूव करते हैं। अब आते हैं हम बेटा दूसरे वाले आर्गन पे, दूसरा वाला आर्गन क्या है हमारा, दूसरा वाला हमारा आर्गन है जिसे हम कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं क्या, गाइनोसियम। ये तो पहला था एंडोसियम, दूसरा हम जिसे कहते हैं गाइनोसियम, और इसके एक पार्ट को कहते हैं पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक, कार्पेल कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिस्टिल कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल या फीमेल, तो आप बताओ क्या, फीमेल, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा, इसके तीन पार्ट होते हैं, हम इसके देखो यहाँ पे पार्ट आपको साफ साफ दिखा गए, स्टिग्मा, स्टाइल है, ओ क्लियर ना, सबसे बेसमेंट में फूला हुआ भाग स्टिग्मा, सिलेंडिकल भाग स्टाइल, उसके भाग नीचे वाला ओ। अब इसको डिटेल में थोड़ा देखो, हमने ये फिगर बना लिया स्टिग्मा का, फिर सिलेंडिकल फिगर बनाया ये स्टाइल का, फिर ये फूला हुआ भाग बनाया बेसमेंट पे, ये ओवे, ये बना लो, ये एंथर वगैरह में जा रहा है, ये स्टिग्मा जो भी जा रहा है इसके अंदर से यहाँ, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसको हमने कहा इसके तीन पार्ट होते हैं, एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर एक है, जिसको हम ऊपर वाले भाग को कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं क्या स्टाइल, और ये फूले हुए पार्ट को हम कहते हैं क्या ओवरी, ठीक, तीन पार्ट मिला ओवरी कहते हैं, इन तीनों को मिला के ही आगे बनता है जिसे हम कहते हैं क्या पिस्टिल, ये पी बड़ा, इसको इस तीनों को मिला के क्या बनता है पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ध्यान सुनो, ये स्टिग्मा जो होता है वो चिपचिपा होता है,
क्योंकि वो पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसलिए वहाँ मॉइस्चर रहता है, हमेशा चिपक जाता है, कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा। एक्सेप्टर आर्गन होता है, एक्सेप्टिंग आर्गन कौन सा होता है तो आप बताओगे, स्टिग्मा, वही एक्सेप्ट करता है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। स्टाइल एक रास्ता देता है, और ओवरी जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ओवरी के अंदर, ध्यान सुनिए, ओवरी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो हमने यहाँ पे बना रखा हुआ है, वो फिर से अगर डिटेल में बना दूँ, ये ऐसे स्ट्रक्चर, उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर ही बनाऊँ तो ऐसे। मैं हर क्लास का बना, देखो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या, ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आपको ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है, ओव्यूल। तो यहीं पे ध्यान से सुन लो, ओवरी जो होती है, उस ओवरी जो होती है उसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ओवरी को, आपको अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड पाया जाता है, और बीजांड के अंदर ही ये दिख रहे हो, ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं बेटा एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट, ठीक है, लिख लेना, इसको लिखना चाहते हो तो एम्ब्रियोसाइट कहते हैं, और इसी एम्ब्रियोसाइट के अंदर उसी को मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, एम्ब्रियो से ही, एम्ब्रियोसाइट से ही फ्यूजन होगा। अब हम उसको देखेंगे आगे फर्टिलाइजेशन के दौरान, हम देखेंगे पूरी कहानी बताएंगे आपको। तो ये क्या क्या एम्ब्रियोसाइट इसमें क्या होता है, फ्यूजन करता है। तो ये रहा आपको पार्ट, क्या कहते हैं, फीमेल के, इसके पास एक होता है, जैसे आपको एंसाइटिंग बस इतना सा तो लिखा है, पराकर पे यहाँ पे, यहाँ पे होता है। तो अब क्या करेगा, वहां से मेल गैम, मेल से एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, वो स्टिग्मा पे आएंगे, स्टिग्मा से होते हुए आप कहाँ पहुंचेंगे, ओवरी में, ओवरी से ओविल के अंदर, ओविल के अंदर से एम्ब्रियोसाइट में जाके फ्यूज करेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या होगा, जायगोट बनेगा बेटा, और फिर देन एक नया पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जनरली क्या होगा, एक सीड का फॉर्मेशन। अब देखो ये जो ओवरी होगी ये फ्रूट का निर्माण करेगी, और ये ओविल होगा ये सीड का निर्माण करेगा, तो आप यहीं पर लिख लो, ओवरी कन्वर्ट होती है तो किसमें बनता है बेटा, ओवरी कन्वर्ट होकर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का निर्माण करते हैं, जो हम फ्रूट खाते हैं वो किसका रूपांतरित पार्ट है फ्लावर का, तो आप बताओ किसका, ओवरी का। और जो ओविल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, तो आप बताओ किसमें, सीड, ठीक है, यहीं पे याद रख लो। तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ तक हमने आपको सिंपल सा डिटेल में हमने बताया, बहुत सारा डिटेल में तो नहीं गया, जो आपको लेवल पे था वो बताया। अब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे कि हमको ये समझ में आ गया मेल वाला और फीमेल वाला, ठीक है, फ्लावर का कैसा फ्लावर होता है वो भी हमने देखा है, यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है, ठीक है। उसके आधार पे क्या करता है, हमने देख लिया ओवरी किसमें कन्वर्ट है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो अब देखो इसके अंदर भी हमने देख लिया पॉलन ग्रेन भर रहा, वही पॉलन ग्रेन का इसके यहाँ पहुंचाया जाता है, तो उसका कल हम देखेंगे बेटा, वो बहुत पूछा जाता है कि परागण किसे कहते हैं, तो हम कल हम इसके आगे का कंटिन्यूस करेंगे और पूरा समाप्त करेंगे, पूरा रिप्रोडक्शन, फ्लावर का रिप्रोडक्शन हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जो कि आपको अवेलेबल हो, तो आप अपने नोट्स पे बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, मैं क्लियर कर लूँगा, आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।